नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है जीएस विद संजय में। आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आय से तात्पर्य है मतलब किसी अर्थव्यवस्था या किसी देश की अंतिम वस्तुओं और अंतिम सेवाओं का एक वित्तीय वर्ष में कुल मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं। मतलब किसी देश में कितनी सेवाएं दी गई और कितनी उस देश में वस्तुओं का उत्पादन किया गया एक वित्तीय वर्ष में। अगर भारत के संदर्भ में अपन समझें तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक वित्तीय वर्ष माना जाता है। तो अगर भारत के संबंध में अपन राष्ट्रीय आय की परिभाषा समझें तो भारत में उत्पादित 1 अप्रैल से 31 मार्च तक उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है। अगर राष्ट्रीय आय से कुछ संबंधित फैक्ट समझें जो आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और राष्ट्रीय आय को समझने के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण है कि इसकी गणना कौन करता है। तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना CSO, सेंट्रल स्टेटिक ऑफिस, जैसे हिंदी में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय बोलते हैं, CSO के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है तथा इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नई दिल्ली में CSO का मुख्यालय स्थित है और 1951 में इसको स्थापित किया गया था। तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना CSO द्वारा की जाती है जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, स्थापना 1951 में हुई थी। और राष्ट्रीय आय की जो गणना की जाती है उसका जो आधार वर्ष है वो 2011-2012 मतलब 2011-12 है। आपको याद रखना है कि कहीं कहीं बात चल रही है कि 2017-18 को क्या कर दिया जाए, आधार वर्ष बना दिया जाए, लेकिन अभी आपसे पूछा जाए तो राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष क्या है, 2011-12। इसके बाद अपन राष्ट्रीय आय से एक संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट है जो कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना दादा भाई नौरोजी द्वारा 1867-68 में की गई थी। मतलब ब्रिटिश भारत में दादा भाई नौरोजी जो एक अर्थशास्त्री थे तथा स्वतंत्रता सेनानी भी थे, उनने राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम की थी। उनने राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय दोनों की गणना सर्वप्रथम भारत में करने वाले व्यक्ति दादा भाई नौरोजी है ना। आपको याद रखना है कि इनने बताया था कि 1867-68 के समय 20 रुपए प्रति व्यक्ति आय थी। तो ब्रिटिश भारत में भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी, 20 रुपए प्रति व्यक्ति थी। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आय समिति 1949 में स्थापित की गई। मतलब जब भारत स्वतंत्र हो गया तो राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए एक समिति बनाई गई जिसे राष्ट्रीय आय समिति कहते हैं, जिसे 1949 में बनाया गया था, जिसके अध्यक्ष पीसी महालनोबिस थे। अध्यक्ष कौन थे, पीसी महालनोबिस, प्रशांत चंद महालनोबिस। उसके एक सदस्य थे आर गॉडगिल और एक सदस्य थे VKRV राव। तो तीन सदस्य समिति थी जिसके अध्यक्ष पीसी महालनोबिस थे। नाम क्या था, राष्ट्रीय आय समिति। स्थापना कब हुई थी, 1949 में। तो राष्ट्रीय आय से संबंधित अपन ने फैक्ट देखे कि उसकी गणना कौन करता है, CSO। आधार वर्ष क्या है, 2011-12। सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति की गणना कौन किसने की थी, दादा भाई नौरोजी ने की थी। राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे, पीसी महालनोबिस। अब हम राष्ट्रीय आय से संबंधित जो संकल्पना है GDP, GNP, NNP इनके बारे में एक एक करके देखते के बारे में देखें। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद। अगर अपन जीडीपी की परिभाषा देखें, एक वित्तीय वर्ष में घरेलू सीमा के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं और अंतिम सेवाओं का कुल मूल्य सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। मतलब आप जीडीपी कैसे कहेंगे, जीडीपी वो कहेंगे कि इसमें देखो समय सीमा है एक वित्तीय वर्ष है ना, और जो क्षेत्र है वो क्या है, घरेलू सीमा, कहां पर उत्पादन कहां होना चाहिए, घरेलू सीमा के अंतर्गत, और अंतिम वस्तुओं अंतिम सेवाओं का कुल मूल्य सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। तो आपको देखो इधर पे आपने देखा एक वित्तीय वर्ष, उसको समझना जरूरी है, घरेलू सीमा क्या होती है इसको समझना जरूरी है, अंतिम वस्तु और अंतिम सेवा क्या होती है। इन अगर इन तीन शब्दों को आप समझ लिया तो आप जीडीपी, जीएनपी, राष्ट्रीय आय, एनएनपी इनके बारे में आसानी से समझ जाएंगे, क्योंकि इन शब्दों के आधार पर ये जो चीज आप भ्रमित होते हैं, आप जो परेशानी जाती है आपको समझने में, वो इन शब्दों को एक करके समझ लोगे तो आप समझ जाओगे। अगर अपन देखो सबसे पहले वित्तीय वर्ष तो जो वित्तीय वर्ष वो जो भारत में है वो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक है। देखो क्या होता है, किसी चीज की गणना के लिए आपको समय अनुबंध होना जरूरी है। मतलब अगर निश्चित समय, क्योंकि आप अगर समय निश्चित नहीं होगा तो किसी चीज की गणना संभव है ही नहीं। इसलिए देखो गणना के इसीलिए सप्ताह माह वर्ष इसीलिए बनाए गए क्योंकि समय समय पर अलग अलग समय पर गणना करना अलग अलग तरीके से होता है। तो
जो जीडीपी गणना है वो एक वित्तीय वर्ष में होती है जो भारत में 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक है। मतलब 1 अप्रैल से उत्पादन शुरू करके जो 31 मार्च तक जो उत्पादन होगा उसकी गणना अपन जीडीपी में करेंगे। तो समय क्या हो गया वित्तीय वर्ष, आप समझ गए कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। देखो अगर आप कोई कंपनी की उत्पादन की बात कर रहे हैं तो उसका वित्तीय वर्ष वो चाहे तो जनवरी 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक मान सकता है। आप अपनी कमाई अपनी गणना कर रहे हैं तो आप अपने समय को अलग तरीके से कर सकते हैं, लेकिन अगर अपन जीडीपी के परिप्रेक्ष्य में देखें तो वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक माना जाता है, क्योंकि जीडीपी गणना सरकार का एक विभाग कर रहा है और सरकार के लिए वित्तीय वर्ष क्या है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। आपको पता होगा कि 31 मार्च तक आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो रिटर्न जमा करने पड़ते हैं, आपको इनकम टैक्स जमा करना पड़ता है, 31 मार्च अंतिम डेट होती है, बढ़ा भी जाती है। तो इस प्रकार आपने देख लिया एक क्या देख लिया वित्तीय वर्ष। अब अपन अगर दूसरी चीज अपनी देखें घरेलू सीमा। देखो घरेलू सीमा का मतलब वो है घरेलू सीमा, दूसरे शब्द अपन को क्या समझ रहे हैं घरेलू सीमा, डोमेस्टिक बाउंड्री। तो घरेलू सीमा उसे कहते हैं, मतलब अपन आपके देश के अंदर, मान लो ये आप भारत देश है, भारत देश के अंदर चाहे भारत का नागरिक उत्पादन करे, चाहे कोई विदेशी नागरिक करे, चाहे भारत की कंपनी करे, चाहे विदेशी कंपनी, इस सीमा के अंतर्गत जो भी उत्पादन होगा वो घरेलू सीमा के अंतर्गत उत्पादन कहलाएगा। मतलब घरेलू सीमा के अंतर्गत अगर जो चाइना की कंपनी है, जो अमेरिकन कंपनी है, वो अगर भारत में उत्पादन कर रही है, मान लो उसकी मोबाइल की फैक्ट्री, तो भारत की जीडीपी में उसे शामिल किया जाएगा। ये बात आपको याद रखना है। इसमें घरेलू सीमा के अंतर्गत जो भारत में विदेश में दूतावास है, मान लो अमेरिका का जो दूतावास है, अगर भारत वहां उत्पादन कर रहा है तो वो भी उसके घरेलू सीमा के अंतर्गत आएगा। कोई जो हवाई जहाज भारत से बाहर जाती है वो जो पैसे कमा रही है वो भी क्या है भारत की घरेलू सीमा के अंतर्गत आता है। तो घरेलू सीमा में आपको याद रखना है, इधर पर कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि घरेलू सीमा में गैर नागरिक या विदेशी व्यक्ति द्वारा उत्पादन करने को शामिल किया जाता है या नहीं, तो शामिल किया जाता है। मतलब भारत में रह के जो भी उत्पादन करेगा, चाहे वो भारतीय व्यक्ति हो, चाहे वो विदेशी व्यक्ति हो, चाहे अमेरिका का हो, चाहे चाइना का हो, चाहे फ्रांस का हो, कोई भी व्यक्ति हो, वो भारत की सीमा के अंतर्गत उत्पादन करेगा तो वो उसकी घरेलू सीमा कहलाएगी और उसको जीडीपी में शामिल किया जाएगा। तो जीडीपी में भारत के नागरिक को और विदेशी नागरिक दोनों के द्वारा या विदेशी कंपनी दोनों, इन सभी के द्वारा किया गया उत्पादन जीडीपी में शामिल होता है। ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद अगर अंतिम वस्तु और अंतिम सेवाओं की बात करें अपन, अंतिम वस्तु और अंतिम सेवा, तो देखो अंतिम वस्तु और अंतिम सेवा, अंतिम वस्तु व अंतिम सेवा। देखो इसको समझने के लिए आपको एक उदाहरण से समझें कि अंतिम वस्तु अंतिम सेवा क्या होता है। अपन कपास को एक उदाहरण ले रहे हैं, तो एक किसान ने कपास उत्पादित किया, क्या उत्पादित किया किसान ने कपास। अब उसने 1000 रुपए का बेचा, एक कंपनी ने 1000 रुपए का खरीदा, उसका उसने धागा बनाया और वो धागा कितने का बेचा 2000 रुपए का बेचा। फिर धागा से आगे क्या बना कपड़ा बना, जो उसने कितने का बेचा 3000 का, है ना। तो इस प्रकार अगर, और इसके बाद एक ग्राहक को उस कपड़े की दुकान वाले ने 4000 में बेच दिया, तो वस्तु का अंतिम मूल्य क्या होगा 4000 रुपए, है ना। देखो अंतिम मूल्य, अंतिम वस्तु के अंतिम मूल्य और अंतिम, मतलब अंतिम वस्तु और अंतिम सेवा के कुल मूल्य को क्या कहते हैं अपन जीडीपी कहते हैं। तो कुल मूल्य को ज्ञात करने के लिए अंतिम वस्तु और अंतिम सेवा का मूल्य ज्ञात करना पड़ता है। तो इस उदाहरण में अपन देखें, जो किसान ने कपास 1000 रुपए का बेचा, फिर बाद में उसका धागा बन के 2000 रुपए का, फिर धागा से कपड़ा बन के 3000 रुपए का, और अंतिम रूप से ग्राहक ने कितने में खरीदा 4000 रुपए में खरीदा। तो अपन जब जीडीपी की गणना करेंगे तो किसको काउंट करेंगे अंतिम वस्तु के अंतिम मूल्य को शामिल करेंगे, मतलब किसको करेंगे 4000 को, क्योंकि इन बाकी इनको इसलिए नहीं करते क्योंकि इसमें दोहरीकरण की दो बार गणना की संभावना रहती है, लेकिन जब अंतिम करेंगे तो क्या होगा एक ही बार गणना में शामिल होगा। तो अंतिम वस्तु और अंतिम सेवा के मूल्य को जीडीपी में शामिल किया जाता है। उदाहरण से समझ गए कि जो किसान ने जो धागा बना जो कपड़ा बना इनको ना करके जो ग्राहक ने जितने रुपए में खरीदा उस मूल्य को शामिल करके जीडीपी को ज्ञात किया जाता है। तो आपने देख लिया वित्तीय वर्ष, घरेलू सीमा और अंतिम वस्तु, इन्हीं सबको मिला के क्या होता है जीडीपी गणना की जाती है। मतलब अगर आप अपन इसकी परिभाषा आप देखें तो भारत में 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक घरेलू सीमा के अंतर्गत, मतलब भारत के नागरिकों विदेशी नागरिकों विदेशी कंपनियों द्वारा भारत की सीमा के अंतर्गत जो अंतिम वस्तुओं और अंतिम सेवाओं का उत्पादन होता है उसके कुल मूल्य को जीडीपी कहा जाता है।
हम समझ गए जीडीपी क्या है। अब अपन देखते हैं जीएनपी। जीएनपी के बाद देखो जीडीपी के बाद जीएनपी के बारे में देखें तो जीएनपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। बदला क्या है सिर्फ घरेलू की जगह राष्ट्रीय, मतलब घरेलू की जगह राष्ट्रीय हो गया है तो इसको क्या बोलते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो जीएनपी की परिभाषा है एक वित्तीय वर्ष में केवल भारतीय नागरिकों के द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं व अंतिम सेवाओं के कुल मूल्य को सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। इसमें देखो राष्ट्रीय लगा है इसलिए नागरिक, इसी राष्ट्रीय लगा है नागरिक। इसमें सीमा का बोर्ड नहीं है। जीएनपी वो चीज है जिसमें उसकी नागरिक जो कुल सेवा और वस्तुएं उत्पादित कर रहे हैं उससे जो देश को मूल्य प्राप्त हो रहा है उसे जीएनपी कहते हैं। इसलिए इसमें एन का प्रयोग राष्ट्रीय का प्रयोग किया गया है, मतलब कि चाहे वो भारत में कमा रहे हों चाहे वो विदेश में कमा रहे हों, मतलब विदेशों से भारत में पैसा भेज रहे हों तो ये जीएनपी में शामिल किया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जीएनपी में एक सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखनी पड़ती है कि जीएनपी अगर जीएनपी जीडीपी में आप विदेशों से प्राप्त आय को जोड़ देंगे तथा जो विदेशी भारत में आय प्राप्त कर रहे हैं वो घटा देंगे तो अपनी जीएनपी की गणना जीएनपी प्राप्त हो जाएगी। कैसे, मतलब कि आपको ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ज्ञात करना है तो आपको जो जीडीपी आपने ज्ञात की है उसमें से विदेशों से प्राप्त है, मतलब जो भारतीय विदेश में बैठ के पैसा कमा रहे हैं उसको जोड़ देंगे तथा घटाएंगे क्या जो विदेशी भारत से प्राप्त पैसा प्राप्त कर रहे हैं। अपन एक उदाहरण से समझे, मान लो ये भारत है ना, ये भारत, ये कई अन्य देश है तो इधर से जो भारतीय पैसा भेजेंगे उसको अपन को क्या करना है विदेशों से प्राप्त आय को जीडीपी में अपन को जोड़ना है, क्या करना है इसको अपन को जोड़ना है। लेकिन इधर पे तो कुछ विदेशी रहेंगे, इधर पे भी तो कुछ विदेशी रहेंगे और ये पैसे क्या करेंगे बाहर भेजेंगे, ये पैसे बाहर भेजेंगे तो इसको क्या करना है जो विदेशी भारत में पैसा प्राप्त कर रहे हैं, मान लो जो पेटीएम कंपनी है, अमेजन कंपनी है, उबर है, ओला है, ये जो भारत में पैसे कमा रहे हैं और इसको कहां भेज रहे हैं, मान लो अमेरिका भेज रहे हैं, चीन भेज रहे हैं, फ्रांस भेज रहे हैं, तो जो ये बाहर पैसा भेज रहे हैं तो जो पैसा भारत से बाहर जाएगा उसको घटाएंगे और जो विदेशों से भारत में पैसा आएगा उसको अपन जीडीपी में जोड़ देंगे तो अपन को जीएनपी प्राप्त हो जाएगा, है ना। तो जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का सूत्र होता है जीडीपी में विदेशों से प्राप्त आय को जोड़ा जाता है तथा विदेशियों द्वारा जो भारत में आय प्राप्त कर रहे हैं उसको घटाया जाता है, मतलब जीएनपी में जो विदेश से पैसा आ रहा है उसको जोड़ा जाता है, जो भारत से पैसा जा रहा है उसको घटाया जाता है। और जीएनपी की परिभाषा क्या है, एक वित्तीय वर्ष में केवल भारतीय नागरिकों के द्वारा चाहे वो भारत में हो चाहे वो विश्व के अन्य देशों में हो उनके द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहेंगे। इसमें राष्ट्रीय लगा है तो इसमें आपको याद रखना है कि जो भारतीय विदेशों से पैसा भेजते हैं उसको जोड़ा जाता है, जो विदेशी भारत में पैसा कमाते हैं और विदेश को भेजते हैं उसको घटाया जाता है। तो एक सूत्र के फॉर्म में जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस विदेशों से प्राप्त भारतीयों की आय माइनस विदेशियों की भारत में प्राप्त आय को घटाया जाता है, मतलब जो एक फॉरेनर बाहर भेज रहा है उसको घटा दिया, जो एनआरआई भारत का विदेश में रहने वाला व्यक्ति भारत में भेज रहा है उसको अपन ने जोड़ दिया तो अपना ये सूत्र पूरा हो जाता है। अब अपन को देखना है एनएन। अब अपन एनएनपी देखें तो नेट नेशनल प्रोडक्ट शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद और एक होता है एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट शुद्ध घरेलू उत्पाद। जैसा कि अपन ने दोनों चीजों को ग्रॉस वाला देख लिया, अब अपन को शुद्ध देखना, अपन ने सकल देख लिया, अब अपन को क्या देखना है एक प्रकार से शुद्ध या निबल। तो जो एनएनपी है वो जीएनपी में से आप अगर मूल्यह्रास को घटा देंगे तो आपका क्या जाएगा एनएनपी, मतलब आपने अगर जीएनपी की गणना कर ली उसमें से मूल्यह्रास मतलब क्या हानि हुई एक वर्ष में, क्योंकि आपने जो उत्पादन किया उसमें बहुत सारी चीजों में हानि हो सकती है, मान लो आपने कंप्यूटर में उत्पादन किया, आपने मान लो किसी और सेवा में उत्पादन किया तो उसमें जो मूल्यह्रास होगा उसको अगर आपने घटा दिया जीएनपी में से तो आपको नेट मिल जाएगा। इधर पे आपको समझने की जरूरत है कि जी मतलब होता है क्या ग्रॉस, जी मतलब क्या होता है ग्रॉस और एन मतलब क्या होता है नेट। तो सकल मतलब होता है संपूर्ण, उसमें जो उत्पादित किया आपने वो सारी चीजें वो हो गई सकल,
मतलब ग्रॉस मतलब सारी चीजों को शामिल कर लिया उसको, लेकिन नेट मतलब जो शुद्ध चीज है वो, मतलब शुद्ध चीज का मतलब क्या होता है कि इसमें आपने जो हानि हुई वो हटा दी, और जो टैक्स मैक्स सब हटा के सारी चीजों को नेट के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। एक्चुअली में जो चीजें वो होती है नेट, और जो सारी चीजें उसे बोलते हैं ग्रॉस। तो ग्रॉस हमें से अधिक देखेगी, नेट थोड़ी उसमें कम हो जाएगी, क्योंकि उसमें आप उसमें हटा क्या रहे हो, उसमें से मूल्यह्रास को हटा रहे हो। इसी प्रकार अगर आप जीडीपी में से मूल्यह्रास को हटा दोगे, जो मूल्यह्रास या मूल्य की हानि हुई है, तो आप क्या निकाल लोगे, एनडीपी। क्योंकि देखो इसमें आपको डोमेस्टिक प्रोडक्ट और इसमें नेशनल प्रोडक्ट कॉमन है, एक ही शब्द आ रहा है, इधर पे ग्रॉस की जगह आ रहा है नेट, और इधर पे भी ग्रॉस की जगह क्या आ रहा है, नेट। तो अगर आप नेट नेशनल प्रोडक्ट ज्ञात करना है तो आप जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से मूल्यह्रास को हटा देंगे तो आप एनएनपी को प्राप्त कर लेंगे। और एक प्रकार से जो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद होता है वही राष्ट्रीय इनकम कहलाता है। जो एनएनपी है वास्तव रूप में उसे ही क्या कहते हैं अपन, राष्ट्रीय आय कहते हैं। मतलब अगर अपन ने जैसे जीएनपी की परिभाषा देखी थी कि एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित भारतीयों के द्वारा, एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित भारतीयों के द्वारा जो अंतिम वस्तु और सेवाओं का कुल मूल्य है उसे अपन क्या कह रहे हैं, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। लेकिन उसमें से अपन ने मूल्यह्रास को हटा दिया तो अब क्या बचा, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। और ये जो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है मतलब भारतीय नागरिकों द्वारा भारत में और साथ में विदेशों से प्राप्त कुल आय को अपन राष्ट्रीय आय कहेंगे। और इसमें अगर जनसंख्या भाग दे देते हैं तो प्रति व्यक्ति आय ज्ञात हो जाता है। और इसी प्रकार नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है, आपने जो जीडीपी निकाला, शुद्ध ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब आपने सकल घरेलू उत्पाद निकाला, उसमें से मूल्यह्रास को हटा दिया तो एनडीपी बचेगा। तो एनएनपी का संबंध जीएनपी से है और एनडीपी का संबंध जीडीपी से है। आपको याद रखना है कि अपन ने जो मूल्यह्रास देखा है ये भारत का जो वाणिज्य मंत्रालय है वो मूल्यह्रास की गणना करता है, कि मतलब किस क्षेत्र में क्या मूल्यह्रास हुआ है, किस प्रकार का मूल्यह्रास हुआ है, उसकी गणना कौन करता है, वाणिज्य मंत्रालय करता है। तो आप समझ गए कि जीएनपी क्या है, जीडीपी क्या है, वास्तव में राष्ट्रीय आय क्या है, आपको याद रखना है एनएनपी। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्न में से राष्ट्रीय की संकल्पना में से किसको राष्ट्रीय आय कहा जाता है, आप उन ऑप्शन में दिया जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी और एनडीपी, तो आपको क्या चुनना है, एनएनपी। उसका फुल फॉर्म क्या है, नेट नेशनल प्रोडक्ट मतलब शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद ही राष्ट्रीय आय कहलाता है, ये बात आपको याद रखनी है। अब अपन चारों को एक साथ रख के उसके तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं जिससे आपको जो कंफ्यूजन है वो आपका दूर हो जाए। देखो अगर अपन इन जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी और एनएनपी इनका तुलनात्मक अध्ययन अपन तीन आधार पर करेंगे, इनका वित्तीय वर्ष क्या होता है, इनका क्षेत्र क्या होता है, और उत्पादनकर्ता कौन शामिल होता है कौन शामिल नहीं होता है। तो आपको अगर अपन देखो सबके में वित्तीय वर्ष अपन को पता है क्या होता है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च, सारे में कॉमन है, जीडीपी हो, जीएनपी हो, एनएनपी हो, एनडीपी, सारे में वित्तीय वर्ष क्या होता है, समान। तो वित्तीय वर्ष क्या होता है, समान। आपको याद रखना है कि सभी की गणना करने में वित्तीय वर्ष समान होता है, सभी की गणना कौन करता है, सीएसओ करता है, ये भी क्या हो गया, समान। क्षेत्र की बात करें तो जीडीपी में क्षेत्र होता है डी से, डी मतलब घरेलू सीमा, घरेलू सीमा। तो घरेलू सीमा में इधर पे क्या होता है, बाउंड्री, जो भारत का जो नक्शा है उसके अंदर जो उत्पादन होगा वो जीडीपी में शामिल किया जाएगा। इसमें ये मैटर नहीं करता कि भारत के नागरिक कर रहे हैं, भारत के नागरिक कर रहे हैं कि विदेशी नागरिक कर रहे हैं, भारत की कंपनी उत्पादित कर रही है या विदेशी कंपनी, इसमें ये कोई मैटर नहीं करता। इसमें सिर्फ मैटर करता है घरेलू सीमा मतलब भारत की सीमा के अंतर्गत उत्पादन होना चाहिए। तो जो ग्रॉस डेमेंट जीडीपी है उसमें क्या होता है कि एक वित्तीय वर्ष में जो घरेलू सीमा के अंतर्गत, इसमें ये मैटर नहीं करता कि नागरिक कर रहा कि विदेशी कंपनी कर रहा कि विदेशी नागरिक कर रहा है ना, तो इसमें सारी चीजों को शामिल किया जाता है। इसमें महत्वपूर्ण क्या होता है, इसकी बाउंड्री मतलब जो मध्य प्रदेश के नक्शे के अंदर जो उत्पादन होगा वो जीडीपी में शामिल किया जाएगा। लेकिन जीएनपी में क्या आ जाता है, राष्ट्रीय। तो यहां पर वित्तीय वर्ष तो समान है लेकिन यहां पर सभी जो भारत के जो निवासी है या जो नागरिक है मतलब जो भारत की नागरिकता लिए हैं उनके द्वारा जो पैसा कमाया जाता है, उत्पादन की जाती है सेवा वस्तु में, तो उसमें क्या होता है कि भारत से जो विदेशों से पैसा प्राप्त होता है उसको जोड़ते हैं और जो विदेश पैसा जाता है उसको घटाते हैं। इसलिए इसमें एन शब्द राष्ट्रीय, तो इसमें सिर्फ उत्पादन कौन करता है, भारत के नागरिक। जो विदेशी कंपनी और विदेशी नागरिक भारत में उत्पादन तो करती है लेकिन वो पैसा कहां बेचती है, भारत, इसीलिए उसको घटाया जाता है। तो इसमें घरेलू सीमा महत्वपूर्ण है, इसमें राष्ट्रीय मतलब
व्यक्ति नागरिक महत्वपूर्ण किसमें जीएनपी में, तो एन से याद रखना है क्या नेशनल, तो इसमें बाउंड्री नहीं है, इसमें जरूरी नहीं भारत के नक्शा के अंतर्गत हो, अमेरिका का उत्पादन हो, कहीं भी कमाई कर रहे हैं भारत के नागरिक, कहीं भी कमाई करके भारत भेजेंगे और भारत के जो विदेशी हैं वो कहां भेजेंगे अपने देश में भेजेंगे। तो इसमें क्या किया जाता है जीएनपी में राष्ट्रीय महत्वपूर्ण होता है, इसमें महत्वपूर्ण कौन हो जाता है नागरिक, मतलब एक नागरिक के द्वारा मतलब भारत के नागरिकों के द्वारा एक वर्ष में जो उत्पादन होता है उसे अपन क्या कहेंगे जीएनपी कहेंगे। अब इसमें क्या होता है आपने जब जीडीपी में से क्या कर दिया मूल्यह्रास को हटा दिया, मतलब जो आपको एक वर्ष में जो चीजों में हानि हुई है तो आपको अगर ग्रॉस सकल में से आप मूल्यह्रास को हटा देंगे तो आप क्या प्राप्त कर लेंगे शुद्ध प्राप्त कर लेंगे। एक प्रकार से आप ये समझ लो कि आपने जो लागत वागत मान लो आपने कंप्यूटर 20,000 रुपए का बनाया उसमें आपको हानि पहुंचाने में हो गई 2,000 रुपए की, है ना, अब आपके पास उसका मूल्य कितना रहेगा 18,000 रुपए रह गया। तो इसको अपन क्या शुद्ध कहेंगे, इसको क्या अपन कहेंगे शुद्ध, क्योंकि आपकी बहुत सारी चीजें चली जाती हैं क्योंकि वो आप प्राप्त नहीं कर पाते हैं, है ना। तो इसलिए जो आप इसमें से अगर आपने जीडीपी में से आप एनडीपी निकालना है तो मूल्यह्रास को हटाना पड़ेगा तो आपको एनडीपी प्राप्त हो जाएगा। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर आपने जीडीपी पढ़ लिया तो उसमें सीमा के अंदर है तो वो क्या हो गया कोई भी उत्पादन करे सिर्फ भारत की सीमा के अंदर होना चाहिए, भारत के नक्शे के अंदर होना चाहिए तो वो जीडीपी कहलाएगा। अगर सिर्फ राष्ट्रीय नागरिकों की कमाई की बात करें तो जीएनपी कहलाएगा। और शुद्ध निकालना है आपको तो क्या करना है जीडीपी से मूल्यह्रास हटा दिया तो क्या निकल आया एनडीपी, और जीएनपी में से आपने मूल्यह्रास को हटा दिया तो क्या निकल आया जीएनपी माइनस मूल्यह्रास तो क्या निकल आया एनएनपी, और एनएनपी ही वास्तव में क्या है राष्ट्रीय इनकम, एनएनपी है क्या है राष्ट्रीय वास्तव में राष्ट्रीय इनकम है। अब अपन को यहां पे एक छोटी चीज और देखनी है, कि इनकी गणना दो प्रकार से की जाती है, एक की जाती है फैक्टर कॉस्ट पे, एक की जाती है मार्केट प्राइस पे। मतलब कि जीडीपी जीएनपी एनएनपी और एनडीपी इनकी गणना आप कई किताबों में कई आप जो नोट्स रहेंगे उनमें आप पढ़ोगे कि एक की जाती है एफसी फैक्टर कॉस्ट, एक एमपी फैक्टर कॉस्ट, मतलब होता है फैक्टर कॉस्ट मतलब साधन लागत और एक होता है एमपी मतलब मार्केट प्राइस बाजार मूल्य। मतलब आप एक ही चीज की गणना दो प्रकार से कर सकते हो। उदाहरण के रोल पे अपन ने जीडीपी की गणना मान लो पहले फैक्टर कॉस्ट पे की, किस पे की साधन लागत पे। साधन लागत में क्या होता है कि कितना कच्चा माल लगा, उत्पादन में क्या क्या प्रोसेस लगा, तो उत्पादन में जो उत्पादन प्रक्रिया में जो चीज लगती है उसको फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। मतलब अगर आप जीडीपी फैक्टर कॉस्ट पे ज्ञात कर रहे हैं तो मान लो एक ये मार्कर को बनाने में जो कच्चा माल लगा, प्लास्टिक लगा, फैक्ट्री बनाने में जो मजदूरी लगी, साथ में आपको जो आपने फैक्ट्री में मजदूरी लगी, बिजली खर्च हुई, परिवहन पहुंचाने में जो खर्च हुआ, तो उसको आप क्या कहेंगे जब तक बिका नहीं, बिकेगा तो बाजार मूल्य कहलाएगा, क्योंकि बाजार मूल्य और फैक्टर है ना। आपको याद रखना जो उत्पादन प्रक्रिया है मतलब एक मार्कर को बनाने में जो कच्चा माल लगा, जो बिजली लगी, जो परिवहन लगी और उस थोक बिक्री तक पहुंचाने में जो लगा, उसके आधार पर अगर जीडीपी गणना की जाएगी तो उसे फैक्टर कॉस्ट पे कहते हैं, किस पे साधन लागत पे। और इसमें फैक्टर कॉस्ट प्लस कर या टैक्स, फैक्टर कॉस्ट में अगर टैक्स शामिल कर दिया जाता है तो वो मार्केट प्राइस हो जाती है। तो आपको याद रखना है कि फैक्टर कॉस्ट पे जीडीपी कम होती है और मार्केट प्राइस पे ज्यादा होती है, क्योंकि इसमें क्या शामिल होता है टैक्स शामिल होता है। क्योंकि आपने मान लो इस मार्कर को आपने 5 रुपए में खरीदा, उस पर 1 रुपए क्या लग गया टैक्स, तो मार्केट जीडीपी इसकी 6 रुपए दिखाई जाएगी मार्केट प्राइस में, लेकिन फैक्टर कॉस्ट पे कितनी दिखाई जाएगी 5, उसमें समझ गए। तो हमेशा आपको याद रखना कि जो जीडीपी जीएनपी एनएनपी आदि की गणना फैक्टर कॉस्ट साधन लागत मतलब जो औद्योगिक इकाइयों में होता है इसमें टैक्स शामिल नहीं है तो क्या होगा फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस में हमेशा टैक्स शामिल होता है। मतलब अगर कोई सरकार बेईमानी करना चाहे तो बाजार मूल्य पे वो क्या है जीडीपी आपकी बढ़ा चढ़ा के दिखा सकती है। अब इधर पे एक चीज और होती है कि अगर बाजार मूल्य बढ़े और उत्पादन कम भी हुआ, मान लो आपने 10 पेन बनाए 5 रुपए के हिसाब से 50 रुपए, लेकिन उसका मूल्य क्या हो गया 6 रुपए, तो जीडीपी बने 10 ही पेन लेकिन जीडीपी कितनी हो गई
60 रुपए, मान लो पेन बिकने की हो गई 7 रुपए तो 70 रुपए, मतलब आपका उत्पादन 10 ही पेन का है लेकिन आपकी जीडीपी बढ़ जाएगी। ऐसी जीडीपी आपकी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी नहीं होती। मतलब अगर जीडीपी को बढ़ाना है, राष्ट्रीय आय को बढ़ाना है, तो मूल्य न बढ़ा के क्या बढ़ाना पड़ेगा, उत्पादन बढ़ने से अगर राष्ट्रीय आय बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी तो वो देश के लिए अच्छी होगी, लेकिन मूल्य बढ़ने पर अगर आपकी जीडीपी बढ़ेगी और आपकी राष्ट्रीय आय बढ़ेगी तो वो आपके लिए अच्छी नहीं रहेगी। ये बात आपको याद रखनी है। तो अपन ने जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी देख ली, अब इनको ज्ञात करने की विधियों के बारे में अपन देखते हैं। राष्ट्रीय आय को मापने की 3 विधियां होती हैं, उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि। मतलब जब फैक्ट्री में कितना उत्पादन हो रहा है, कितनी सेवाओं का उत्पादन हो रहा है, मतलब जो सीएसओ है जब गणना करता है तो उत्पादन क्या हुआ है, किस प्रकार अंतिम वस्तुओं सेवाओं का कितना उत्पादन हुआ है, उसके आधार पर अगर गणना करे तो उत्पादन विधि। आय मतलब कंपनियों ने कितना कमाया, बैंकों ने कितना कमाया, उनकी आय के आधार पर गणना करे तो वो आय विधि। और व्यय मतलब कितनी बचत और कितना व्यय किया गया, उसके मतलब जो उपभोग बचत आदि के द्वारा जो नागरिकों ने, कंपनियों ने, फैक्ट्रियों ने किस चीज में क्या व्यय किया, कच्चा माल खरीदने में, परिवहन में कितना व्यय किया, पहुंचाने में कितना व्यय किया, उन सब के आधार पर गणना की जाए तो व्यय विधि बोली जाती है। तो उत्पादन विधि सबसे महत्वपूर्ण होती है क्योंकि इसके आंकड़े स्पष्ट दिए जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय आय मापने की 3 विधियां हैं, उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि। क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछ लेते कि निम्न में से कौन सी राष्ट्रीय आय को मापने की विधि है, तो आपको याद रखना है 3 है, उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि। इस प्रकार अब अपन देखते हैं कि राष्ट्रीय आय में, राष्ट्रीय आय को मतलब मापने में राष्ट्रीय आय के कम होने की क्या समस्या है और उसको बढ़ाने के क्या उपाय किए जा सकते हैं। मतलब एक देश के जीडीपी को अच्छा करने के लिए, उसकी राष्ट्रीय इनकम को अच्छा करने के लिए, उसकी प्रति व्यक्ति आय को अच्छा करने के लिए क्या उसकी क्या समस्या है, क्या उसकी कमी के कारण है और किस प्रकार उसको दूर किया जाता है, तो उसको अपन देख लेते हैं। देखो राष्ट्रीय आय की समस्या या कमी के कारण देखें कि मतलब कि राष्ट्रीय आय कम कैसे हो जाती है, उसमें क्या समस्या विद्यमान है। तो देखो सबसे बड़ी समस्या है कृषि की अनिश्चितता। देखो भारत की कृषि मानसून आधारित है, कैसे मानसून आधारित, और वर्षा ना होने से कृषि उत्पादन कम होता है, कृषि उत्पादन कम होने से उसका प्रभाव जीडीपी पड़ता है, जीडीपी का प्रभाव राष्ट्रीय आय पे पड़ता है। मतलब जो कृषि की अनिश्चितता है, देखो मानसून आधारित होना है ना, सिंचाई की व्यवस्था ना होना है ना, सिंचाई की व्यवस्था की क्या है कमी है, और कृषक भी क्या है कि मानसून मौसम उतने जागरूक नहीं होते कि मानसून अगर सरकार उनको मौसम विभाग उनको बता भी रहा है कि इस समय वर्षा ऐसी होगी, वर्षा ऐसी, तो उतने जागरूक ना होने के कारण कृषि अनिश्चितता भी मतलब किसान कृषि को प्रभावित करती है, कृषि राष्ट्रीय आय को प्रभावित करती है। और जनसंख्या वृद्धि राष्ट्रीय आय को कम करने या राष्ट्रीय आय में समस्या करने इस प्रकार है। मान लो पहले राष्ट्रीय आय 1000 रुपए है, व्यक्ति 100 है ना, और राष्ट्रीय आय 1000 रहे और 120 व्यक्ति हो जाए तो प्रति व्यक्ति आय क्या हो जाएगी कम। तो जनसंख्या बढ़ने से प्रति व्यक्ति आय कम होती है और उसका प्रभाव क्या पड़ता है राष्ट्रीय आय पे पड़ता है। तो जनसंख्या वृद्धि के कारण भी राष्ट्रीय आय में कमी या उसमें समस्या देखी जा सकती है। और देखो जनसंख्या एक ऐसी चीज है वो सामाजिक समस्याओं को उत्पन्न करती है ना, राष्ट्रीय समस्याओं को उत्पन्न करती है, वैश्विक समस्याओं को उत्पन्न करती है, पर्यावरणीय समस्याओं को। मतलब जनसंख्या को नियंत्रण करने से आप कई अच्छे कार्य को मतलब सही कई अच्छे कार्य को कर सकते हैं, और जनसंख्या वृद्धि बहुत सारी समस्याओं का कारण होती है। अब पिछड़ी तकनीक, देखो पिछड़ी तकनीक का मतलब यह है कि आपके पास अच्छी तकनीक नहीं है तो अच्छे कुशल श्रमिक नहीं हो पाते, अच्छे से काम नहीं हो पाता। देखो तकनीक ऐसी है तो अच्छे से गणना भी नहीं हो पाती, क्योंकि अगर तकनीक के आधार पर आप गणना करोगे तो राष्ट्रीय की गणना अच्छे से हो जाएगी, कृषि उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है, औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। तो मतलब आधुनिक तकनीक के माध्यम से तकनीक को मजबूत करके आप राष्ट्रीय आय में, जीडीपी में इनकी बढ़ोतरी में आप अच्छे से कार्य कर सकते हैं। राजनीतिक कारण, देखो चुनाव होता है तो उसमें बहुत सारा पैसा खर्च होता है, राजनीतिक पार्टियां, राजनीतिक नेता भ्रष्टाचार करते हैं, इससे भी बहुत सारी समस्या होती है। साथ में राजनीतिक अस्थिरता होती है या राजनीतिक जो भ्रष्टाचार होता है उससे जो वाणिज्य मंत्रालय है सीएसओ वो अच्छी तरीके से आंकड़ा पेश नहीं कर पाता, क्योंकि सरकार क्या करती है फैक्टर कॉस्ट पे उसको जीडीपी की गणना करनी चाहिए, वो मार्केट प्राइस पे कर जाती, मतलब उत्पादन नहीं बढ़ा, मूल्य बढ़ा के आपने जीडीपी को बढ़ा चढ़ा के दिखा गया, तो उससे भी क्या राष्ट्रीय आय को बहुत सारी समस्या उत्पन्न होती है। आपकी जीडीपी दिखेगी तो बड़ी लेकिन वो खोखली वाली होगी, मतलब उसमें उत्पादन नहीं बढ़ा, मतलब खाद्यान्न की समस्या बनी रही, लोगों के लिए भोजन नहीं मिल रहा है, लेकिन देखेगी आपकी जीडीपी अधिक। तो राजनीतिक कारण भी राष्ट्रीय आय को प्रभावित करते हैं। बचत व निवेश की
भारतीयों की आदत बचत की है तो वो निवेश नहीं करते, और जिसके पास बचत है वो निवेश नहीं करना चाहता, और जो निवेश करना चाहता है उसके पास बचत नहीं है। क्योंकि अगर आपने बचत की है और आप सही समय पर सही तरीके से निवेश करेंगे तो वो राष्ट्रीय आय को बढ़ाने में और बहुत सारी आपकी आय को बढ़ाने में, प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने में सहायक होती है। क्योंकि बचत को एक उद्देश्यपूर्ण निवेश जरूरी होता है। अगर बचत को निवेश में नहीं बदला गया तो जो वित्तीय समावेशन है, वित्तीय चक्र, वो रुक जाता है। इससे बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अब अपन देखते हैं कि राष्ट्रीय आय को बढ़ाने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। देखो, राष्ट्रीय आय को बढ़ाने के लिए, राष्ट्रीय आय को ठीक करने के लिए सबसे पहले जरूरी है जनसंख्या नियंत्रण। मतलब जनसंख्या को नियंत्रण करेंगे तभी आपकी राष्ट्रीय आय बढ़ेगी। क्योंकि आप अगर निश्चित लोगों के लिए खाद्यान्न की, उनके लिए गरीबी, रोटी, बेरोजगारी, इनकी समस्या को दूर करने का फोकस रखेंगे तो आप अच्छे से कार्य कर पाएंगे। मान लो आपने 1,00,000 लोगों के लिए क्या की, व्यवस्था करने के लिए आपने प्रक्रिया शुरू की, उनके लिए नीति बनाई, और जब तक आपने पॉलिसी को लागू करना शुरू किया तब तक दोगुने हो गई जनसंख्या। तो उसमें क्या, जब तक जनसंख्या नियंत्रण नहीं किया जाएगा तब तक ना आप राष्ट्रीय आय को बढ़ा सकते हैं ना राष्ट्रीय समस्याओं का निदान कर सकते हैं। तो जनसंख्या नियंत्रण से बहुत सारी समस्याओं को हल किया जा सकता है। इसके बाद बचत व निवेश दर में वृद्धि। मतलब आपको बचत को भी बढ़ाना है, निवेश को भी बढ़ाना है। मतलब जिन आपको कोशिश करनी है कि लोगों में बचत के प्रति और निवेश के प्रति जागरूकता फैलाई जाए, जिससे जब बचत करें लोग तथा उन बचत करने वालों को निवेश की प्रवृत्ति होनी चाहिए। क्योंकि वित्तीय चक्र को चलाने के लिए बचत जरूरी है और बचत के बाद निवेश भी जरूरी है। पहले बचत की जाएगी, फिर निवेश किया जाएगा, उससे लाभांश किया जाएगा, फिर बचत होगी, फिर निवेश होगा, फिर लाभ प्राप्त किया जाएगा। तथा इन सबको देखो, जनसंख्या नियंत्रण, बचत व निवेश को बढ़ाने के लिए तथा राष्ट्रीय विकास के लिए आधारभूत संरचना का विकास जरूरी है। अगर आपको व्यापार, कृषि, उद्योग को बढ़ाना है तो आधुनिक सुविधाओं का विस्तार करना पड़ेगा, उसका विकास करना पड़ेगा। इसके लिए आपको तकनीकी सुधार करने पड़ेंगे, आधारभूत संरचना, स्कूल, शिक्षा, अस्पताल का विकास करना जरूरी है। क्योंकि जब एक राष्ट्र के निर्माण में जब व्यक्ति सशक्त होगा तभी तो उसकी व्यवस्था, उसकी राष्ट्रीय, उसकी राष्ट्रीय उत्पाद सशक्त हो पाएगा। कृषि विकास जरूरी है। देखो, किसानों को जागरूक करना, मानसून आधारित कृषि, सिंचाई की व्यवस्था करना, अच्छे बीज, उन्नत बीज, है ना, उनके लिए कृषि यांत्रिकरण को बढ़ावा देना, इन सारी कृषि को विकास को करके आप राष्ट्रीय आय को बढ़ा सकते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का उचित दोहन। मतलब प्राकृतिक संसाधनों का अच्छे से दोहन किया जाएगा। क्योंकि पर्यावरण के जो संसाधन है उनको संतुलित दोहन करेंगे तो आप राष्ट्रीय आय को और विश्व में संतुलित आधार पर विकास कर सकते हैं। तो इन आधारों पर आप राष्ट्रीय आय को बढ़ा सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आज अपन ने जीडीपी, जीएनपी, राष्ट्रीय आय को समस्याएं क्या है, उसको बढ़ाने के उपाय, इनको देखा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। जुड़े रहिए जीएसवी संजय के साथ। नमस्कार दोस्तों।